यूपी के आगरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की याद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और ये बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते कुछ दिन पहले पत्नी ने जहर खा लिया था, जिसके बाद वक्त रहते पत्नी का इलाज कराकर बचा लिया गया था, लेकिन तभी से पत्नी अपने मौसी के यहाँ चली गई। इसी बात से दुखी होकर पति ने अपनी पत्नी की याद में पंखे से लटक कर जान दे दी। मामला एतमादौला गणेश नगर का है और इस मामले में युवक के भाई ने पत्नी के खिलाफ तहरीर लिखवाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 24 जुलाई 2018 भोर में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सत्यवीर नाम का है, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, उसने अपने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या की है। इस संबंध में उनके भाई ने आत्महत्या की तहरीर दी है। कानपुर के चंद्रभान हॉस्पिटल में मरीज का गलत इलाज करने पर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। इलाज कर रहे डॉक्टर एके मिश्रा पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। तीमारदारों के हंगामे के बाद भागा हॉस्पिटल स्टाफ और बता दें कि 36 बेड के अस्पताल में एक भी डॉक्टर और स्टाफ मौजूद नहीं है। कि डॉक्टर साहब ड्रेसिंग कर रहे थे और ड्रेसिंग करते समय उन्होंने जब कॉटन निकाला तो निकालते निकालते नस कोई बाहर आ गई, साथ ही तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, तीनों दम मेरी जिसके जान की नाले पड़ गए। कौन सा हॉस्पिटल और कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर एके मिश्रा। हॉस्पिटल कौन सा है? हॉस्पिटल चंद्रभान।